नेक्स्ट वीडियो आज हम लोग चैप्टर 5 फ्रैक्शन में ही एक्सरसाइज 5 भी पढ़ेंगे। इसमें आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है, यानी कि फ्रैक्शन का जोड़ आपको इसमें सीखना है। इसके लिए हमने यहाँ पे दो लिखा है, दो रूल्स लिखा है, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कल मैंने आपको 5D में पढ़ाया था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, तो आपने उसको देखा भी होगा। तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो तो सम ऑफ नोमिनेटर बाई कॉमन डेनोमिनेटर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 4/5 + 6/5, इसका ये लाइक फ्रैक्शन है। फिर एक बार मैं बताता हूँ आपको एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अ फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर, वैसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन का जब भी आप जोड़ करोगे तो सम ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर आपको 4 और 6 है, तो 4 + 6 और बाय कॉमन डेनोमिनेटर, दोनों का कॉमन 5 ही होगा, तो 6 और 4 = 10/5, 5 और 10/5 को छोटा कर लेंगे तो पूरे आंसर इसका आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं? तो फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर, मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा 8/9 है और प्लस 5/12 है, तो इसका डेनोमिनेटर आपका 9 और इसका 12 है। तो इसको बनाने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं डेनोमिनेटर का। तो इस डेनोमिनेटर 9 और 12 है, इसका एलसीएम आपको 36 हो जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। अब इसके डेनोमिनेटर से इसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 9 × 4 = 36, 4 आया। 4 + 6 के नोमिनेटर को गुना करेंगे तो 4 × 8 = 32 हो जाएगा। फिर ऐड का साइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 12 × 3 = 36 होता है, तो 5 × 3 = 15 होगा। अब 32 + 15 करेंगे, 5 और 2 = 7 हो गया और 3 और 1 = 4 हो गया, 47/36 हो गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आपको आंसर में आता है तो आप उसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो 36 × 1 = 36 हो जाएगा, 47 में से 36 किया तो 11 हो गया, तो 1 whole 11/36 इसका आंसर होगा। स्टूडेंट तो एक्सरसाइज में यहाँ पे आपको फाइंड द सम करना है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह का क्वेश्चन जो है लाइक फ्रैक्शन में है और लाइक फ्रैक्शन में है वो तो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, 2 whole 3/4 + 5 whole 5/6 है। तो सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 2 × 4 = 8 और 3 = 11/4 ऐड हो जाएगा, 5 + 6 = 30 और 5 = 35/6 हो गया। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 12 आएगा, 4 × 3 = 12, 11 × 3 = 33 + 6 × 5 = 30, 35 + 6 × 2 = 35 + 70 हो गया। 70 और 33 को स्टूडेंट जब जोड़ेंगे तो 103/12 हो रहा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर से चेंज करेंगे तो 12 × 8 = 96 होता है, तो इसमें बच गया आपका 7, 7/12, 8 whole 7/12 हो गया। उस तरह से अगर 3-4 फ्रैक्शंस भी होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया है, ये 2 whole 1/3 ऐड 1 whole 1/4 ऐड 2 5/6 ऐड 3 7/12 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, तब 2 × 3 = 1 7/3 + 1 4 = 4 1 5/4 + 2 6 = 12 और 5 = 17/6 प्लस ये हो जाएगा आपको 12 × 3 = 36 और 7 = 43/12। 3, 4, 6 and 12 का एलसीएम 12 ही होगा, 3, 5, 3, 4 = 12, 7, 4 = 28 प्लस 4, 4, 3 = 12, 5, 3 = 15, 6, 2 = 12, 17, 2 = 34
और 12 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 बन जाएगी और 4 इज 3 हो जाएगा। तो इसका इसका आपको 3 4 7 7 और 5 12 और 12 और 8 20 20 का 0 हासिल हो गया। 2 2 और 4 6 6 3 9 9 और 1 10 और 3 10 और 2 12 120 / 12 यहां पे आ गया। इसको जब आप 12 से करोगे 12 के अंदर 120 होता है तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। हमें स्टूडेंट से क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर है कि रोहित बाउट पेंसिल कोल्ड ₹3 3 वोल्ट 2/5 एंड इरेजर ये पेंसिल खरीदता है इतना रुपया का, ये पेंसिल खरीदता है और 2 होल 7/10 रुपया का ये आपको इरेजर खरीदता है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट निकालना है तो इसमें आप दोनों को जोड़ लेंगे 3 2/5 + 2 7/10 इसको जब आप जोड़ लेंगे तो ये आपका आंसर जो है वो आपका टोटल रुपीस कॉस्ट निकल जाएगा। 16 के बाद स्टूडेंट एक 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोहिनी बाउट 4 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर कुर्ता एंड 2 होल 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर पजामा, तो हाउ मच क्लॉथ डिड शी परचेज इन ऑल। इसमें भी आप दोनों को जोड़ देंगे, जो वो कुर्ता के लिए जितना कपड़ा है जितना लेंथ है और पजामा के लिए है दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्लॉथ आपका निकल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल कमिंग बैक होम फ्रॉम हिज स्कूल डिस्टेंस कवर्ड 4 3 4 होल 3/4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड 1 1/2 किलोमीटर ऑन फुट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल। तो ये भी आप ऐड करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा, मान लीजिए 4 होल 3/4 किलोमीटर वो रिक्शा से जाता है और 1 होल 1/2 किलोमीटर ये पैदल जाता है, तो टोटल डिस्टेंस इसका आपका टोटल जब आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको हो जाएगा कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको करेक्ट द वेट ऑफ एन एमपीटी गैस सिलेंडर, मतलब खाली गैस सिलेंडर का वजन जो है 16 4/5 केजी है और इट कंटेंट इतना केजी ऑफ गैस 14 2/3 केजी ऑफ गैस है, तो गैस के साथ व्हाट इज द वेट ऑफ ए सिलेंडर फिलेड विद गैस। तो मान लीजिए कि एमपीटी सिलेंडर या वेट लिख लेंगे, वेट ऑफ एमपीटी सिलेंडर, एमपीटी सिलेंडर है 16 4/5 और गैस इसमें कितना आता है, गैस कंटेन कर लेगा तो ये 14 2/3 केजी हो जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो विथ गैस के साथ इसका वजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 4/5 + 14 2/3 केजी, यानी कि इसको आप जब जोड़ लेंगे टोटल वेट इसका निकल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज है 5E ये आपका एड से संबंधित है, जो कि आप इसको कर लेंगे होमवर्क पे इसको करेंगे पेयर के कॉपी पे अच्छा से करेंगे और ये आपका इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि ये इसमें आपको दो तरह का जोड़ है, पहला है लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना, तो जब भी लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना हो तो उसके न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर उसका सेम रहता है क्योंकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होता है तभी वो लाइक फ्रैक्शन में होता है। अनलाइक फ्रैक्शन अगर है तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसका उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, उसके डिनोमिनेटर एलसीएम को एलसीएम के बराबर उसके डिनोमिनेटर को बनाकर तब जोड़ते हैं और ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया। तो या आपका 15 तक उस तरह का है, 16 17 18 और 19 जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको ऐड करना है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आपके समझ में आ जाएगा तो वो आसानी से बन जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने 16 डील किया, 19 बताया, 17 बताया, तो इस तरह से ये आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है और आप ये 5E जो है वो कंप्लीट करके बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम F के बारे में पढ़ेंगे।